जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम कर लिया है जी। इनका मुंह धो रहे हैं, ये तो अपना रूटीन का काम है ही। सुबह उठते ही सीढ़ियाँ धोनी और गणेश जी को प्रणाम करना, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करना, इससे ही दिन की शुरुआत करते हैं। और आज गुड्डू को स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि आज वो व्रत रखेगी। तो मैंने रात को ही उसको बोल दिया था कि बेटा, अगर व्रत रखना है तो मैं छुट्टी करवाऊंगी, स्कूल नहीं भेजूंगी तेरे को। तो आज वो भी घर पे ही रहेगी और हमारे साथ व्रत रखेगी माता रानी का। कई दिन हो गए उसको, फिर नाराज़ तो कर नहीं सकती थी कि मम्मा मेरे को व्रत करना है, व्रत करना है। अब माता रानी के व्रत कर रखें और कन्या को कह दें कि वो व्रत मत कर, फिर वो गुस्सा हो जाती। तो उसको नाराज नहीं करते कन्या माता, क्योंकि वो भी माता का ही स्वरूप है। देखिए गुड्डू हमारी सॉरी है, और आज ये स्कूल नहीं जा रही क्योंकि इसने रात को ही बोल दिया था कि मम्मा मैं व्रत करूंगी, तो आज ये व्रत करेगी तो इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि इसका सिर विर भी धोऊंगी व्रत करेगी तो। अच्छे से नहला धुला के फिर ही पूजा पाठ करेगी सुबह सुबह, तो ये जल्दी जल्दी में ऐसे ही करके चली जाती है। तो आज व्रत करेगी तो इसके अच्छे से बाल वगैरह धो के नहला के फिर से पूजा पाठ करवाएंगे अपने साथ, और फिर ये व्रत करेगी। अंशुमन जा रहा है, अंशुमन देखिए तैयार हो रहा है, अंशुमन तैयार जा स्कूल जाने के लिए। और लंच इसका मैंने पैक कर दिया है, ये छुट्टी नहीं करता। अब उस दिन भी जब बीमार हुआ था तभी कह रहा था कि मम्मा अब मैं बस, चाहे मैं बीमार भी हो जाऊं पर मैं अब छुट्टी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अटेंडेंस जो है बोर्ड में जाएगी, और मैम ने बिल्कुल मना किया है कि अब छुट्टी नहीं करनी। और होमवर्क भी फिर एक दिन की छुट्टी कर लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कल भी मंदिर जाने के लिए मैंने इन दोनों को जल्दी बुला लिया था, तो ये रात तक फिर अपना होमवर्क करता रहा क्योंकि बहुत सारा, 4 ही पीरियड लगे थे और बाकी का काम इसका रह ही रहा था। तो अपने दोस्त से मंगवा के फिर देर तक ही अपना होमवर्क ही करता रहा, और अब उठ गया। मैंने तो उठाया भी नहीं, आज अपने आप ही उठ गया। रात को जल्दी सो गया था, थक गया था, वहाँ गए मंदिर गए थे, फिर बहन के घर चले गए तो थक गए, फिर पढ़ने लग गया बस पढ़ते पढ़ते। कल रात को जल्दी सो गया था तो अपने आप ही उठ गया, आज मैंने उसको उठाया भी नहीं। तो अब इसको भेजते हैं स्कूल, हो गया ये तैयार, उसका दूध वूध बनाते हैं। अब बड़ा हो गया ये, समझदार हो गया। आज है जी 5वां नवरात्रा, और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। और ये रूप, इस रूप में माता रानी दोनों हाथों में कमल, एक हाथ में तीर और एक हाथ में कार्तिकेय जी को बालक स्वरूप में अपने हाथों पर विराजमान किए हुए है। और आज गुड्डू भी हमारे 5वें नवरात्रे का व्रत रखेगी, और ये 2 व्रत रखेगी, एक आज का और एक परसों का। तो परसों तो शायद इसकी छुट्टी है ही, है ना? तो परसों तो इसकी छुट्टी है ही। और अब करते हैं माता रानी की पूजा और स्कंद माता का आशीर्वाद लेते हैं, और गुड्डू को ढेर सारा आशीर्वाद दिलवाएंगे माता रानी से। करते हैं पूजा। देखिए हमारी जो छोटी सी कन्या माता है, हमारी गुड्डू, मैंने अब इसको चाय बनाई है इसके लिए, और चिप्स खा रही है ये। अब तक तो ये, वैसे अगर व्रत नहीं होता इसका और स्कूल गई होती तो अब तक तो इसका फ्रूट ब्रेक भी हो चुका होता और ये 1 गिलास दूध भी पी के जाती है। पर अब 11:30 हो रहे हैं, मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, 11:30 हो रहे हैं और ये अब चाय पी रही है। सुबह से इसने चाय भी नहीं पी। तो मेरी कन्या माता कर तो लेगी व्रत, मैं तो ये सोच रही थी नहीं कर पाएगी, पर व्रत कर लेगी मेरी छोटी सी कन्या। इसका बहुत मन था व्रत करने का, फिर मैंने भी सोचा कि नवरात्रे तो मैंने कर ही रखे, क्यों इसका दिल दुखाया, कर करने देती हूँ इसको व्रत। तो अब तो मेरे को भी लग रहा है कि कर लेगी व्रत। मैंने इसको अब चिप्स दिए, इसने अपने मुंह से मेरे से एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मा अब मेरे को भूख लग रही है या मेरे को कुछ खाना है, नहीं, आराम से लेटी हुई थी पूजा करने के बाद। तो अब मेरी गुड्डू खा रही है चिप्स। कैसे है बेटा चिप्स? अच्छे है। तो हम भी अब पीते हैं चाय, क्योंकि सुबह से हमने भी चाय नहीं पी थी, पूजा पूजा कर ली है तो अब चाय पीते हैं। और शर्मा जी आज जाएंगे बुकिंग पे 2 बजे, तो उनके लिए भी फलियार 2 बजे ही बनाना पड़ेगा।
रात को वहां तो कहीं बाहर जाएंगे काम पे, तो वहां तो कुछ व्रत का खाने वाने का कुछ मिलेगा नहीं, तो इनके लिए भी आज खाना जल्दी बनाना पड़ेगा। तो अब चाय पीते हैं और हमारे साथ आप भी चाय पियो। फ्रेंड्स देखो, ये मेरी मम्मी और मेरी नानी हमेशा बात करती रहती है, एक सेकंड ऐसा नहीं है जब इन्होंने बात ना की हो। कम से कम 2-3 घंटे तो इनका बात करना पक्का है, उससे पहले मम्मी मोबाइल रखती नहीं है। देख रहे हैं मम्मी? देखे ना, अब देखो तेरी नकल कर रही है। देखो 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 मतलब इनका ना रोज का है ये। तो पता है बात कैसे करती है? उसकी भैंस ने नू वो दियो, उसकी भैंस नू होगी, उसकी भैंस बिगी, मतलब या तो भाव चैप्टर 1 पे होंगे पर ये चैप्टर 10 पे चले जाएंगे बात करते करते। अब जैसे बात ना थोड़ी देर में अभी हो रही है रिलेटिव्स की, मतलब रिश्तेदारों की, अब बात हो जाएगी हमारे ऊपर। और मम्मी पता क्या कहेगी? इनते काम करवा लो। काम करवाते है हमेशा मम्मी हमारे बारे में यही कहती है, मतलब कहती है काम ना हो इनते, मोबाइल इनके हाथ में कितना ही दे दो। अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। ये देखो अब भी मम्मी रुक नहीं रही है। मम्मी मम्मी बात क्यों करने दो? नींद भी आ रही है लेकिन नहीं। दूध फिर वो सुबह से रहेगा तो तू गई थी गए ना बेरा सुभाष देख के गया था। अच्छा कल चली गई थी ना दीदी? पैर में दर्द हो रहा था मेरे तो, ना दीदी ना जा पाई मैं। ननू कहती नहीं उसका ननू कहती हाँ बात बताती है। हाँ सारी समझ आ रही है। हाँ देखा तो देखिए ये सब्जी बना रही हूँ मैं आलू की, और आज ये मैं जल्दी बना रही हूँ, 2 ही बजे हैं अभी, क्योंकि शर्मा जी को जाना है आज बुकिंग पे दिल्ली, और रात को तो फिर ये खा नहीं पाएंगे, और वहाँ बाहर व्रत का फलियार कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो मैंने अभी जल्दी बना दी सब्जी, और चिल्ला इनको मैं पैक करके दे दूँगी, फिर क्या पता कहाँ कैसी जगह है कुछ मिले या ना मिले खाने का, तो व्रत तो खोलना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मैंने जल्दी बना दी। और गुड्डू को भी अभी मैंने कुछ भी नहीं खिलाया है, बस उसने थोड़ी सी चिप्सी खा रखी है, तो उससे भी पूछती हूँ कुछ खाएगी या नहीं खाई, उसको भूख लग रही है नहीं लग रही, तो मैं पूछती हूँ उससे भी, क्योंकि उसने अभी तक तो कुछ बोला नहीं है कि मम्मा मेरे को भूख लग रही है, अपने बस मोबाइल में ही मस्त हो रही है। तो दिखा बेटा कुछ बनाऊँ? देखिए मस्ती से लेटी हुई है। एप्पल एप्पल काट दूँ? एक एप्पल काट दूँ? तो ये पता नहीं डर के मारे कुछ नहीं कह रही, सच में भूख नहीं लग रही, नहीं लग रही। तो इसने बस 3-4 चिप्स ही खाए थे और थोड़ी सी चाय पी थी, और अब तक इसने मेरे से ये नहीं बोला है कि मम्मी मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाने का है या नहीं मेरे को खाना है। अब इसको एप्पल कट करके दूंगी, और उनका जो शर्मा जी है उनके लिए लंच पैक करती हूँ शाम को, जो खोल ले वहाँ पे व्रत अपना, उसके लिए मैंने आलू की सब्जी चीले और थोड़ा सा दही इनके लिए पैक करूँगी, और हम भी शाम को फिर लेट यही खाएंगे। अभी तो मैंने अपने लिए तो नहीं बनाए, शाम को ही बनाऊँगी चीले। तो अब इनका लंच पैक करती हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, 2 तो बज गए हैं, 2:15 तो हो गए हैं, सब्जी तैयार है, चीले भी तैयार है, बस पैक करना है। देखिए गुड्डू खा रही है एप्पल, और माता रानी ने हमारी छोटी सी कन्या को शक्ति दे रखी है, भूख भूख कुछ नहीं लग रही, और फुल एनर्जी है बेटी में। मेरे साथ काम भी करवाया है इसने सारा, जो मैंने सुबह अपना काम कर रही थी समेट रही थी घर, तो इसने सारा काम भी करवाया है मेरे साथ, और मेरी बेटी को फुल एनर्जी दे रखी है माता रानी ने, पूरा आशीर्वाद है बेटी के साथ, पूरा काम करवाया है इसने आज मेरे साथ सारा, साफ सफाई का मम्मा मैं करवा दूंगी, मम्मा मैं करवा दूंगी, और मेरे को विश्वास नहीं था पर ये कर लेगी, अब तो 3 बजने वाले हैं, अब तो कर लेगी ये व्रत, अब तो मेरे को भी विश्वास हो गया, कर लियो अब दूसरा व्रत, ठीक है
अब टेंशन वाली बात नहीं है। और शर्मा जी भी तैयार है जाने के लिए, अंशु भी स्कूल से आने वाला है, फिर उसके लिए भी अब मैंने वहाँ से रसोई वसोई सब साफ कर दिया है, अब उसके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि आते ही वो भी ट्यूशन पे जाएगा। तो अच्छा है, व्रत का सामान पहले ही बन गया और अब अंशु भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया था घर पे ट्यूशन से होके, और आके देखा तो ये मम्मी के बुखार हो रखा है, और इस वजह से तो नहीं हो गया बुखार पता नहीं, अब मम्मी बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है और बहुत ज्यादा हाई फीवर हो रखा है मम्मी के, तो अब मम्मी को टैबलेट देते हैं और पानी गर्म करके देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी उठ गई है और मम्मी को चाय बना के दे दी है मैंने दिए, और हमको अपनी मम्मी ऐसी गुमसुम बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, जब मम्मी हमको डांटती रहती है, अंशु ये नहीं करा, अंशु वो नहीं करा, बोतल बार ये कर, जब फिर हम मना करते हैं फिर मम्मी हमारे थोड़ा बहुत मार भी देती है, ऐसी मम्मी अच्छी लगती है। सब्जी गिरी ना गरम गरम जैसे, उस वजह से ही होगा मेरे पूरी एकदम वो। आप खड़े हो जाओ, चलो पूजा करें। करें बेटा, थोड़ी सी और दे हिम्मत। हिम्मत वो अब चाय पी के हिम्मत आ जाएगी, चाय पी के हिम्मत आ जाएगी। तेरे हाथ की चाय और क्या, मेरे हाथ की चाय में जादू है। चाय बहुत अच्छी बनाता है। ठीक हूँ बेटा मैं, वही बात है, अब तबीयत तो हो ही गई खराब एकदम से, पता नहीं सर्दी लगी, सोची तू लेट जा थोड़ी देर, लेटी तो बस उठा ही ना जा रहा। टीना आंटी के आई आवाज लगाने, और वो सोनू आंटी ये सारी के इतनी देर होगी, भाभी का अलार्म पानी वाला बोल रहा है, भाभी ने बंद क्यों नहीं करा। मैं बाल टोन करके आई थी, उसके बाद में 10 मिनट बाद इनकी ज्यादा खाली भी नहीं थी, 10 मिनट बाद तो मेरे को यूं ही ना पता मैं हूँ कहाँ। फिर जब इन्होंने सबने बैल बजाई, आवाज लगाई, जब मैंने जाके देखा आंटी कर रही हो बंद, बोल ठीक ठाक तो है, वो कहा ठीक हूँ आंटी, पता ना बस उठने की हिम्मत ही ना हो रही है, यूं है कि बस तू आंख बंद करके लेट जा। तो फिलहाल अब चाय पीते और फिर करते पूजा। अंशुमन बाहर पटाखे छुटा रहा है, और उसने जैसे वो ट्यूशन से आया उसने देखा कि मम्मी सो रही है, क्या बात है, मैं मम्मी तो अब कई दिन हो गए सोती ही नहीं है दिन में। तो उसने आके देखा तो मेरे बहुत जोर से बुखार, और चाय बना के गया, मम्मी चाय पी लो, आप लेटे मत रहो, बस आप काम करते रहा करो और घूमते फिरते रहा करो, ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मैं तो पापा भी घर पे नहीं है और आप भी ऐसे बीमार हो गए, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं आप है ना खड़े हो जाओ बस। तो मैं अब उठ रही हूँ, हिम्मत तो नहीं हो रही, पर हाँ उसका भी फिर मन ऐसा ही हो जाएगा कि मम्मी भी लेटी हुई और बीमार हो गई, तो अब उठ रही हूँ, चाय बना के वो दे के रख के गया है, बाप बाहर पटाखे छुटा रहा है, अब चाय पीऊँगी और पूजा करूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है 6:20 का टाइम हो गया, अब तो उठना ही पड़ेगा भाई, माता रानी की पूजा भी करनी है, नवरात्रि का रखे हैं तो पूजा भी ज़रूरी है, पूजा करके थोड़ा बहुत जो खाया जाएगा तो फलिहार करूँगी, नहीं तो देखूंगी फिर लेट जाऊंगी, गुड्डू को ही बना के दे दूंगी। व्रत खोल लिया है और आज थोड़ी तबीयत खराब है तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय माता दी।